मित्रों नमस्कार, न्याय टीवी के स्पेशल एपिसोड क्राइम जस्टिस में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कुछ लोग गैंग बनाकर अश्लील वीडियो बनाकर और लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे ही एक गैंग का खुलासा कल गाजियाबाद पुलिस ने किया। हुआ यूं कि गुजरात के एक व्यक्ति जिनका नाम तुषार है, वो एक कंपनी में सीए थे और इन लोगों ने जो गैंग काम कर रहा था उनका भी एक वीडियो बनाया और उनको निरंतर 2 साल से ये ब्लैकमेल कर रहे थे। क्योंकि वो सीए थे, उन्होंने उनके पास जो पैसा था वो तो ट्रांसफ़र किया ही, लेकिन गलती ये हुई कि उन्होंने जिस कंपनी के लिए काम करते थे उस कंपनी के अकाउंट से लगभग 80-90 लाख रुपए इन लोगों के खाते में 2 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये गैंग किस तरीके से काम करता है। कहानी शुरू होती है सपना गौतम से। सपना गौतम दिल्ली में पढ़ती थी, बीए कर रही थी और पार्ट फर्स्ट में ही उसकी मित्रता हो जाती है योगेश गौतम नाम के व्यक्ति और दोनों बहुत जल्दी ही लव मैरिज करके अपना घर बसा लेते हैं। घर का खर्च नहीं चलता है। फेसबुक पे उसकी मुलाकात होती है ऑस्ट्रेलिया के एक लड़के से जिसका नाम है सनी। जब वो सनी से अक्सर सेक्स चैटिंग करती है, सनी उसे बताता है कि इस काम में बहुत पैसा है, 10-15 घंटे। अब पैसा कैसे कमाया जाए ये बात सनी उसको बताता है। सनी उसको टिप्स देता है कि कैसे लोगों को ब्लैकमेल करके और सेफ तरीके से हम पैसा कमा सकते हैं। सपना एक मकान लेती है, एक फ्लैट लेती है किराए पे गाजियाबाद में और वो ये काम शुरू कर देती है। सपना खुद निर्वस्त होती है और लोगों को वीडियो कॉल करके ये बताती है, उनसे दोस्ती करती है और उनको उकसाती है कि वो भी उसी की तरह निर्वस्त हों और सेक्स प्लेजर के लिए तैयार रहें। लोग बातों में आ जाते हैं, यहाँ ये उसकी वीडियो बना लेती है। वीडियो बनाने के बाद उसी व्हाट्सएप पर उस वीडियो को उसको वापस भेजती है और उससे कहती है कि भाई जो ग्राहक है उसका, जो शिकार है, उनको ये बोलती है कि अगर आप बचना चाहते हैं कि आपकी वीडियो वायरल ना हो तो आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दें। लोग लाज के भय से, लोग बेइज्जती के, बदनाम होने के डर से बराबर पैसा डाल रहे होते हैं। एक दिन योगेश को शक होता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। जब उसका अकाउंट देखता है तो उसमें करोड़ों रुपये का बैलेंस है सपना के में। वो अपनी पत्नी से पूछता है तो पत्नी उससे कुछ भी नहीं छुपाती और उसको सच सच बात बता देती है कि मैंने इस तरीके से ये पैसा कमाया है। पति भी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब वो 2 फ्लैट किराए पे ले लेते हैं और 4-5 लड़कियों को 25-25 हजार रुपए महीने की सैलरी पे अपने पास रख देते हैं, जो कि कॉल सेंटर में कॉलिंग का काम करती हैं। अब उन्हें इंसेंटिव भी देना शुरू कर दिया जाता है और उन्हीं लड़कियों के द्वारा लोगों को फंसाया जाता है। एक इसमें पॉर्न वीडियो पॉर्न साइट है, उस साइट पे भी इनके ऐड चल रहे होते हैं जिनके ऐड के माध्यम से ये लोगों से जुड़ते हैं और उनको वहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे चैटिंग होती है, बातें होती हैं और फिर ये लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर उनके साथ ठगी करती हैं। अगर यही ठगी आपके साथ भी अगर हो रही है और आप कहीं ठगी का शिकार हुए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोक लाज छोड़कर, बदनामी का डर छोड़कर अपने एरिया में FIR कराएं ताकि इनके पास से जो करोड़ों रुपए रिकवर हुआ है, करोड़ों रुपए मिला है, वो अगर आपका पैसा है तो आप तक पहुंच सके। हम पहुंचते हैं गुजरात। गुजरात में जब तुषार पे शिकंजा कसा उस कंपनी ने, FIR कराई गई तो तुषार ने सब कुछ सीधे सीधे बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ये पैसा ट्रांसफ़र किया था। गुजरात पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को परसू किया और गाजियाबाद पुलिस को जब ये बताया तो गाजियाबाद पुलिस ने कि भाई यहाँ का जो पैसा हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, वो गाजियाबाद की बैंकों में है वो पैसा। वहाँ बैंक से उनके फुटेज मिलते हैं, फ़ोटो मिल जाते हैं। पुलिस की 2 टीमें बनाई जाती हैं, एक साइबर सेल की, एक नंदीग्राम की, और वो 2 टीमें पीछा करती हैं और अंततोगत्वा इनको राज टेंशन एक्सटेंशन से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और जब इनके फ्लैट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ चार पांच लड़कियां और भी वहाँ पहले से मौजूद हैं। इनके पास से बहुत सारे अंडर गारमेंट्स, अश्लील वीडियो, लैपटॉप और सेक्स टॉयज और दुनिया भर का पैसा इनके पास से बरामद होता है। इनके 8 अकाउंट हैं जिसमें से 4 अकाउंट से पैसा रिकवर हो चुका है। पुलिस ने इन 8 अकाउंटों को फ्रीज करवा दिया है, कहीं कोई अकाउंट संचालित नहीं है, सभी लोग जेल हैं। और इनके जो नाम हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये नाम है, एक है निकिता पुत्री करतार सिंह, दूसरी है निधि पत्नी अमित, प्रिया पुत्री रविंद्र और योगेश गौतम, सपना गौतम, ये इनके नाम हैं जो वहाँ से चार पांच लोगों को पुलिस जो पकड़ के लाई है। और राजकोट में जो FIR कराई गई है वो 406, 408, 120B के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 क्राइम नंबर है 6/2021। और जो चैटिंग करते थे, जिस पॉर्न साइट पर उसका नाम है stripchat.com, पॉर्न वेबसाइट, या फर्जी आईडी बना के ये लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। तो मित्रों, अगर ऐसी कोई कॉल आपके पास आती है और वो आपसे इस तरीके का अनुरोध करते हैं तो सावधान हो जाइए। और आपके साथ अगर ठगी हो गई है तो आप FIR कराइए ताकि आपकी गाड़ी मेहनत का जो पैसा है वो आपको वापस मिल सके। वृंदावन से क्राइम रिपोर्ट के लिए मैं योगेश शर्मा।